Brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. ये जो माहौल इस वक्त दिखाई दे रहा है, हमने कई लोगों से बात की, अलग अलग राय उन्होंने इस रैली को लेकर दी है। आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव की जब तारीखों का ऐलान हो गया है, इस बीच तमाम बड़े नेता यहाँ पर पहुंच गए हैं, ये जमीन पर इसका कुछ इम्पैक्ट नजर आएगा? देखिए, ऐसा है कि महाराष्ट्र के लिए ये रैली इसलिए इम्पोर्टेंट हम मान सकते हैं, अगर ये सिर्फ कांग्रेस की रैली होती तो शायद हमारी राय कुछ और होती। लेकिन पहली बार ये होगा क्योंकि शिवाजी पार्क का जो मैदान है ये एक तरीके से ऐतिहासिक मैदान है। मुंबई या महाराष्ट्र की राजनीति में जितनी भी बड़ी घटनाएं हुई है वो इसी मैदान से शुरू हुई है। भले वो कांग्रेस की रैलीज हो, एनसीपी की स्थापना की रैली यहाँ पर हुई थी, बाला साहेब ठाकरे की कई सारी रैलीज, उनके ट्रेडिशनल दशहरे के जो रैलीज होती है वो भी यहीं पर होती है। और पहली बार ऐसा होगा कि इस मैदान में आपको गांधी, पवार और ठाकरे एक साथ दिखाई देंगे। तो महाराष्ट्र में जो अलायंस बना हुआ है महाविकास आघाड़ी का, उसके मद्देनज़र एक मैसेज देने के लिए, एक परसेप्शन क्रिएट करने के लिए कि हम तीनों साथ में हैं तमाम दिक्कतों के बावजूद, क्योंकि उसमें से दो बड़ी पार्टियां टूट चुकी है, एनसीपी टूटी है, शिवसेना टूटी है, लेकिन उसके बावजूद भी हम साथ में हैं। रोज़ हमें खबरें आ रही है कि एक एक कोई नेता चला जाता है, अशोक चव्हाण चले गए, बाबा सिद्दीकी यहाँ के एक नेता है वो चले गए, मिलिंद देवरा चले गए, शिवसेना से विधायक चले गए, लेकिन उसके बावजूद भी हम साथ में हैं। ये मैसेज देने की कोशिश इस रैली के जरिए करने की कोशिश हो रही है। दूसरी अहम बात यह है कि देखिए, आखिरकार ये शिवसेना और कांग्रेस एक दूसरे के विरोधी रहे हैं। अब ये इतिहास में हम जा सकते हैं कि 80 के दशक में बाला साहेब और कांग्रेस की का गठबंधन हुआ था या जो भी है, लेकिन तब शिवसेना शिवसेना नहीं थी। शिवसेना जब पूरे महाराष्ट्र में फैली तब से शिवसेना की राजनीति है कांग्रेस के खिलाफ की राजनीति रही है, और उसका पूरा एक यू टर्न हमको देखने मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि उसके वजह से उद्धव ठाकरे को भी अपने कार्यकर्ताओं तक अपनी बात पहुंचाना, क्योंकि पहली बार ऐसा होगा कि ये गठबंधन होने के बाद किसी चुनाव का वो सामना करेंगे, आम चुनाव का। बीच में कुछ उपचुनाव हुए थे महाराष्ट्र में और उसमें इस गठबंधन का फायदा दिखाई दिया उनको, लेकिन किसी आम चुनाव का सामना पहली बार किया जाएगा। तो असलियत में ये गठबंधन लोगों को, उनके पार्टी कार्यकर्ताओं को, मतदाताओं को कितना रास आया है ये इस चुनाव से पता चलेगा। और इसीलिए मेरे ख्याल से कि अब से ये रैलियां एक साथ होना शुरू हो जाएगा। देखिए, राहुल गांधी के साथ तो बार बार रैली नहीं हो पाएगी। और दूसरी बात अहम यह है कि कांग्रेस का जो वोट शेयर है वो शिवसेना और एनसीपी के लिए बहुत ज़्यादा अहम वोट शेयर है, क्योंकि जब तक वो पूरा ट्रांसफ़र नहीं होता शिवसेना को, यानी खास करके मुंबई जैसे इलाकों में, तब तक शिवसेना सोच नहीं सकती। शिवसेना, आजकल शिवसेना UBT हमें जिसे कहते हैं, वो नहीं सोच सकते कि उनका कैंडिडेट जीत पाएगा यहाँ पर। जो कांग्रेस के साथ जो वोट शेयर है खास करके अल्पसंख्यक समुदाय का, दलितों का, या उनके उनका जो अपना एक वोट शेयर है, वो जब तक शिवसेना को ट्रांसफ़र नहीं होता तब तक वो जीत नहीं दिखाई देगी। ये बात क्लियर नहीं है कि क्या शिवसेना का वोट शेयर कांग्रेस को ट्रांसफर होगा कि नहीं, लेकिन कांग्रेस का वोट शेयर 14 और 19 में कायम रहा है। तो जिसके चलते इस तरीके की रैलियों की वजह से एक संदेश देने की कोशिश रहेगी कि आपको हम साथ में लड़ेंगे, हमको साथ में जाना है। और असलियत में अगर हम देखें तो जो भी इंडिया अलायंस की हम बात करते हैं वो सिर्फ दो जगह पर एग्जिस्टेंस में है, तीन कह सकते हैं हम लोग, दिल्ली में है कुछ हद तक, दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस साथ में आए हैं, बिहार में वो साथ में, और असली उसकी जो जो टेस्ट होगा वो महाराष्ट्र में होगा, क्योंकि यहाँ पर तीनों लोग साथ में अभी भी रहे। तो इसीलिए ये रैली उस नज़र से हमको देखनी चाहिए, ना ही ये इंडिया की रैली है, ना ही मुंबई के लिए ये रैली राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन है। महाराष्ट्र के हिसाब से या मुंबई के हिसाब से गांधी, ठाकरे, पवार एक स्टेज पर आना, इस नजर से इस रैली को देखना ज्यादा जरूरी है। और इन्हें आप देख रहे हैं कि ये जो कॉम्बिनेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है ये वोटों में भी बदल सकता है? देखिए, इस बार का चुनाव इतना इंटरेस्टिंग इसलिए बना है क्योंकि ये चुनाव प्रेडिक्ट करना, वो एक डायलॉग होता था ना इसमें डॉन में कि मुमकिन क्या मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, तो ये सिर्फ मुश्किल नहीं नामुमकिन भी है। क्योंकि क्या है, महाराष्ट्र में हर पार्टी का अपना एक फिक्स वोट शेयर था अब तक। शिवसेना भले वो अलायंस में लड़े या अलायंस के बाहर लड़े, अमूमन हमने देखा कि शिवसेना का एक 20% का वोट शेयर है, बीजेपी का जो वोट शेयर बढ़ा वो 25-27
30% तक उनका वोट शेयर जाता है, कांग्रेस का अपना 16-17% का वोट शेयर और एनसीपी का 14-15% का वोट शेयर है। पहली बार ऐसा हुआ है कि दो पार्टियों में मिडिल स्प्लिट है और अभी तक इस बात का ये जांचने के लिए कोई इस तरीके से चुनाव नहीं हुआ है कि जिसमें पता चले कि कौन कितना वोट शेयर लेके गया है। यानी एकता छिंदे विधायक लेकर गए वो दिखता है, अजीत पवार विधायक लेकर गए वो भी दिखता है, लेकिन वो अपने साथ में कितने वोट लेकर गए हैं उस 20% में से या उस 15-16% में से वो नहीं पता चल पाया अब तक। तो पहली बार महाराष्ट्र में ऐसा हो रहा है कि एक फ्लोटिंग वोट होता है, ठीक है ना, वो इस पार्टी का ना उस पार्टी का, वो फ्लोटिंग वोट बहुत बड़ी संख्या में है और वो किसी एक पार्टी का हुआ करता था। अब उन वोटरों को तय करना है कि क्या हम उद्धव ठाकरे के साथ में या एकनाथ शिंदे के साथ में, क्या हम शरद पवार के साथ में या अजीत पवार के साथ में, ये हमको तय करना है, ठीक है। तो इसीलिए ना ये लड़ाई बड़ी दिलचस्प हो गई है। तो इसके लिए जो सपोर्ट उद्धव ठाकरे, देखिए आमतौर पर यह माना जा रहा है कि कांग्रेस का वोट शेयर तो शिवसेना के साथ ट्रांसफर हो जाएगा। ये पता नहीं कि शिवसेना का वोट शेयर, कि जो खास करके शिवसेना का वोटर हिंदुत्व की विचारधारा पे तैयार हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी बात सच है कि महाराष्ट्र में दो हिंदुत्ववादी पार्टियां थी, बीजेपी होते हुए भी शिवसेना का भी अपना वोट शेयर बचा रहा। 2014 के विधानसभा चुनाव में दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़ा, तब भी उद्धव ठाकरे को एक 20% तक का वोट शेयर मिला था। इसका मतलब ये कि वो सिर्फ हिंदुत्ववादी विचारधारा नहीं है, वो एक रीजनल पार्टी को सपोर्ट करने का या ठाकरे परिवार के साथ रहने वाली भी विचारधारा है वो। तो वो हमें अभी इस बार देखना होगा। अब जैसे जैसे, और इंटरेस्टिंग बात है कि महाराष्ट्र में 5 चरणों में चुनाव हो रहे हैं, तो बहुत मौका मिलेगा अपना प्रचार करने को, बात रखने को और बाकी सारी चीज़ें करने को। तो देखेंगे उसमें किस तरीके से होता है। क्योंकि राहुल गांधी की भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा अभी बिल्कुल महाराष्ट्र में खत्म हुई है, आपको लगता है उसका भी कुछ इम्पैक्ट नजर आएगा इस चुनाव में या नहीं? आपकी कैलकुलेशन क्या कहती है, आप ग्राउंड पर रहते हैं, लोगों के बीच रहते हैं? देखिए, राहुल गांधी की यात्रा का वोट पर असर पड़ेगा ऐसा मुझे नहीं लगता, लेकिन राहुल गांधी की यात्रा में जो ये तीन लोग साथ में दिखेंगे उसका इतना असर ज़रूर होगा कि कार्यकर्ताओं को मैसेज जाएगा कि हम साथ में हैं, उनके वोटरों को मैसेज जाएगा कि, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि अगर कांग्रेस को सपोज़ 1 लाख लोग वोट कर रहे हैं तो एकदम 2 लाख हो जाएंगे कि बहुत ज़बरदस्त हो गया या उस तरीके से मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता हूं, क्योंकि ये इलेक्शन यात्रा नहीं थी। इसका एजेंडा बड़ा लूज टाइप का एजेंडा था, कोई स्पेसिफिक एजेंडा नहीं था। जैसे अब तक हमने जो पॉलिटिकल यात्राएं देखी है वो स्पेसिफिक एजेंडा के साथ घूमी थी, ये थोड़ा सा लार्जर स्पेस में यात्रा हुई है कि प्यार का संदेश, अब प्यार का संदेश कुछ भी हो सकता है, तो यू नो इट्स लिटिल बिट जेनेरिक अगर हम देखें उसको। तो इसके लिए उसका वोट पे तब्दीली कितनी होगी ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन कार्यकर्ताओं में मैसेज देने के लिए कि देखिए मैं मुंबई पहुंचा, मेरा समापन यहां पर हुआ और उस समापन में बाकी पार्टियों के नेता भी शामिल हुए और महाराष्ट्र में खास करके खुद शरद पवार आए, उद्धव ठाकरे भी आए और पहली बार उनको स्टेज पे सब लोग साथ में देख रहे हैं। मतलब इंडिया अलायंस की मीटिंग में तो देखा था, लेकिन लोग उनको पहली बार यहाँ पर इस तरीके से देख रहे हैं। प्रकाश अम्बेडकर यहाँ पर आ रहे हैं, जो अब तक MBA में है नहीं है उसको लेकर सवाल चल रहा था, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। यही मैं पूछने भी वाली थी, प्रकाश अंबेडकर को लेकर लगातार कहा जा रहा था, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया तो कहा गया कि आएंगे इस रैली के अंदर। इस वक्त क्या डायनामिक्स हैं जो अटके हुए हैं, क्या फंसा हुआ है प्रकाश अंबेडकर की तरफ से, क्योंकि कॉन्ट्ररी बयान दोनों तरफ से आ रहे हैं? देखिए, प्रकाश अंबेडकर इज द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल पॉलिटिशियन मैंने अब तक देखे हैं उसमें, और वो क्या है ना कि वो टेम्परामेंट पे चलते हैं। वो इतना है कि उनका 3-4% जो भी वोट शेयर है वो उन्होंने बचा के रखा है। आज की स्थिति में महाराष्ट्र में दलितों के जनाधार पे अगर कोई पार्टी बची है तो वो सिर्फ यही पार्टी बची है आज की स्थिति में। और तो उनको साथ में लेना ये महाविकास आघाड़ी की मजबूरी है एक तरीके से अगर हम देखें तो। लेकिन उसके साथ साथ ये भी बात उतनी सही है कि क्या प्रकाश अंबेडकर को साथ में वो ले पाएंगे, क्योंकि उसके लिए उनको सीटें छोड़नी पड़ेगी। सिर्फ इस रैली में आए इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो साथ में चुनाव लड़ेंगे, या ये कभी भी हो सकता है कि प्रकाश अंबेडकर अचानक कहे कि मुझे सीट्स पसंद नहीं आई है, मैं चला जाता हूँ करके। तो ज़्यादा रीड हम लोग उस पर नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो साथ में आएंगे तो महाविकास आघाड़ी के लिए एक बात बनेगी, ये बात तो है। आप कुल मिलाकर एक ओवरऑल व्यू, एक होलिस्टिक तस्वीर देखें तो क्या महाराष्ट्र को लेकर लोकसभा चुनाव में आपको, आपकी कैलकुलेशन क्या कह रही है? देखिए,
मैं हमारा जो मूड ऑफ द नेशन का सर्वे हुआ था उसको कोट करना चाहता हूँ। और 2022 में जब पहली बार मतलब जब शिंदे बीजेपी के साथ चले गए, तब से अगर हम लोग देखें तो हर 6 महीने में मूड ऑफ द नेशन का सर्वे होता है, 15 अगस्त को होता है और 26 जनवरी को होता है हर साल। तो उसमें अगर हम लोग देखें तो शुरुआत हुई थी 2022 में जब आंकड़ा दिया गया था 35 महाविकास आघाड़ी और 34 महाविकास आघाड़ी और 14 NDA। जो भी लेटेस्ट सर्वे हुआ है वो 26 महाविकास आघाड़ी और 22 NDA, तो वो घटा है, 34 से 26 तक आया हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये और चेंज होगा, क्योंकि आखिरकार महायुति एक मजबूत गठबंधन है। ये गठबंधन मजबूत है लेकिन इनके पास नेताओं की कमी है, इनके पास संसाधनों की कमी है, और आखिरकार मोदी फैक्टर को उनको कैलकुलेट करना पड़ेगा। और 5 चरणों में चुनाव होगा तो वो स्प्लिट भी उस तरीके से होगा, तो वो भी हमें देखना होगा उसमें। तो मुझे लगता है कि आज की स्थिति में भी महाविकास आघाड़ी कम से कम 20 सीटों में मजबूत है, अगर वो स्थिति में रहे तो, अगर और डिफेक्शंस ना हो तो। लेकिन अगर वो डिफेक्शंस होंगे तो कहना बड़ा मुश्किल होगा इस बात को लेकर, ये बात तो जरूर है। लेकिन 15-20 सीटों पर तो जरूर मुझे लगता है कि वो अभी भी मजबूत है। बहुत बहुत शुक्रिया साहिल जोशी, हमारे साथ थे। महाराष्ट्र की तस्वीर इस वक्त जो भारत जोड़ो न्याय मंजिल यात्रा के बाद का जो इंडिया अलायंस की एक बड़ी रैली चल रही है उस पर हमने बात की, महाराष्ट्र के डायनामिक्स को लेकर बात की। ऐसी तमाम खबरें, रिपोर्ट्स, लोकसभा चुनाव की कवरेज आपको न्यूज़ तक मिलती रहेगी। कैमरा पर्सन दीक्षा यादव के साथ निधि तलेजा, न्यूज़ तक दादर, महाराष्ट्र।